विश्वविद्यालय के हृदय स्थल गांधी मैदान में स्थित बरगद के पेड़ पर सैकड़ों चमगादड़ का बसेरा है। वहीं वर्तमान में इस पेड़ के नीचे ही खुले सब्जी बाजार का पसरा लगता है। यहाँ रोजाना सब्जी लेने वालों का तांता लगा रहता है, जिसमें नगर सहित आसपास ग्रामीण अंचल के लोग आते हैं। बरगद के पेड़ पर चमगादड़ का बसेरा है और समय समय पर यह अपना मल मूत्र त्याग करते हैं। इससे कहीं ना कहीं संक्रमण के खतरे की आशंका बनी रहती है। ज्ञात हो कि नगर पालिका परिषद के विगत दिनों कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को लेकर लोगों में सामाजिक दूरी बनाए रखने वार्ड वार अस्थायी रूप से बाजार के लिए स्थल चयन किए थे, जिसमें गांधी मैदान भी शामिल है, जहां फिलहाल अस्थायी रूप से बाजार संचालित हो रहे हैं। जानकर हैरानी होगी कि नगर के गांधी मैदान स्थित बरगद पेड़ के नीचे सब्जी बाजार का पसरा लगता है और इस पेड़ पर चमगादड़ भारी संख्या में रहते हैं। लेकिन इस बीच सब्जी विक्रेताओं के सामने दिक्कत यह है कि इतनी तेज धूप में जाए तो जाए कहाँ। मसलन पेड़ की छांव के सहारे ही सुबह से शाम तक सब्जी का पसरा लगाए रहते हैं। जानकारी के मुताबिक प्रशासन इस बात से वाकिफ है। बताया जाता है कि उन्हें हटाए जाने के भी निर्देश दिए गए थे। प्रशासन सब्जी व्यापारियों को दुकान लगाने के लिए जगह मुहैया की है। मौजूद सैकड़ों चमगादड़ों के संक्रमण को लेकर जांच पड़ताल किया गया तो इसके जानकार भी संक्रमण होने की आशंका से इनकार नहीं किए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो किसी अनहोनी के बीच सब्जी बाजार का लगना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पशु चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों से इसको लेकर चर्चा की गई तो स्पष्ट तर्क है कि बकायदा शेड लगा होना चाहिए, ना कि खुले में शेड किसी पेड़ के नीचे जहां बहुतायत संख्या में चमगादड़ है। ऐसी जगहों पर बाजार नहीं लगना चाहिए। गरियाबंद से DNX TV के लिए राधेश्याम सोनवानी की रिपोर्ट। तो मैं ये कहूँगा कि ओपन प्लेसेस में जैसे खुले में सब्जी ना सब्जियों का वो नहीं होना चाहिए, शेड होना चाहिए कि अगर कुछ भी इन्फेक्शन है ऊपर से अगर पक्षियों से के मल मूत्र से जो इन्फेक्शन अगर का चांस है तो वो कम हो सके। सर चमगादड़ से कोई नुकसान? चमगादड़ से अभी ऐसा तो जो जैसा रिपोर्टेड है जैसे जो कोरोना चल रहा है ऐसा कोई नुकसान नहीं। मेरा मानना है कि चमगादड़ समय समय पर अपना मलमूत्र त्याग करते हैं, यदि उस वृक्ष के नीचे यदि इस प्रकार की बाजार लग रही है जहाँ पर सब्जी भाजी बेचा जा रहा है वहाँ पर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मलमूत्र में बीमारी फैलाने वाले जो सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया वायरस फंगस इत्यादि हो सकते हैं, तो इस प्रकार के रिस्क से बचना चाहिए।